हरियाणा की सियासत के सुरमा और अपने बयानों से विरोधियों को चारों खाने चित करने वाले प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर विपक्ष को अपने अलग अंदाज में जवाब दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों शराब नीति के चलते जांच एजेंसियों के सवालों के घेरे में है। ऐसे में केजरीवाल खुद को पाक साफ बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने केजरीवाल के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वो भ्रष्ट हैं तो कोई भी ईमानदार नहीं है। अनिल विज ने केजरीवाल के इस बयान पर क्या जवाब दिया, आप खुद ही सुनिए। देखिए, सीबीआई हमारे देश की बहुत बड़ी प्रमाणित और सम्मानित संस्था है और सीबीआई का अगर नोटिस आया है तो जरूर कुछ ना कुछ उनके पास होगा। इनको ये भीड़ भड़ाका इकट्ठा करने की बजाय, बड़े बड़े बयान देने की बजाय, एक अच्छे नागरिक की तरह जाकर सीबीआई को कोऑपरेट करना चाहिए और उनके साथ जो वो पूछना चाहते हैं वो ईमानदारी से बताना चाहिए। अनिल विज ने केजरीवाल के उस बयान का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी चाहेगी तो सीबीआई उन्हें अरेस्ट भी कर सकती है। सीबीआई को स्वतंत्र एजेंसी बताते हुए विज ने केजरीवाल को जांच में सहयोग करने की नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर चाहेगी तो सीबीआई मुझे अरेस्ट कर लेगी। नहीं नहीं, ये तो उनके जो है ना भ्रम है, सपने हैं, उनको आते हैं। मेरा मतलब हर वक्त वो उनको भाजपा के सपने आते हैं। मैंने जैसा पहले कहा कि सीबीआई एक इंडिपेंडेंट संस्था है, उसमें किसी का दखल नहीं। उधर 2024 को लेकर विपक्ष ने एक बार फिर एकजुट होने की कवायद तेज कर दी है। विपक्ष के नेता एक दूसरे से मिलकर 2024 चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। अनिल विज ने विपक्ष की एकजुटता पर जोरदार कटाक्ष किया है। देखिए, ये जितना विपक्ष है आपको इनका पास्ट देखना पड़ेगा। कभी ये किसी के साथ जुड़ जाते हैं, कभी किसी के साथ जुड़ जाते हैं। इनकी कोई एक विचारधारा नहीं है, इनका कोई एक नेता नहीं है, इनके पास कोई एक नीति नहीं है। तो ये कभी भी जो है ये अपना असर नहीं दिखा सकते। 2024 के चुनावी दौर के बीच सियासतदानों में बयानबाजी का सिलसिला तेज हो चला है। ऐसे में विपक्ष जहां सरकार के काम पर सवाल उठा रहा है तो सत्ता पक्ष भी उनके सवालों का जवाब देने में पीछे नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि बयानबाजी का दौर कहां तक जाता है। अंबाला से सूर्य समाचार के लिए नरेश सैनी की रिपोर्ट।